बहादुरपुर गांव में कोरोना संक्रमित 51 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार गांव में ही किया गया। सीएससी प्रताप नगर के डॉक्टरों ने सूचना मिलने पर सभी व्यक्तियों की कोरोना सैंपलिंग कराई गई। आपको बता दें कि बीते 20 दिनों से कोविड संक्रमण का केंद्र बने गांव बहादुरपुर में कोरोना पॉजिटिव 51 वर्षीय विधवा महिला की देर रात घर पर मौत हो गई। उसे बीते कई दिनों से बुखार आ रहा था। मृतका के बेटे मंगलवार को इलाज के लिए उसे सीएससी प्रताप नगर लेकर पहुंचे। सीएससी प्रताप नगर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर परमिंदर पाल ने बताया कि गांव बहादुरपुर से 51 वर्षीय महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए कोरोना सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। महिला को तुरंत ईएसआई कोविड हॉस्पिटल जगाधरी रेफर किया गया। मरीज के लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड भी कराई गई, लेकिन उसके बाद परिवार मरीज को लेकर कहां गए उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। महिला के परिजन गंभीर हालत को देखते हुए उसे घर लेकर पहुंच गए। आधी रात के करीब अचानक उसकी मौत हो गई। सुबह होते ही बस्ती के लोगों ने उसका नहर के किनारे अंतिम संस्कार कर दिया। सीएससी प्रताप नगर के मेडिकल ऑफिसर परमिंदर पाल ने बताया कि कोविड पॉजिटिव महिला की मौत की जानकारी एक व्यक्ति ने दी। तुरंत हेल्थ टीम को रवाना किया गया और गांव में पूरी बस्ती की सैंपलिंग की गई। हेल्थ टीम के डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि बहादुरपुर से अभी तक 220 व्यक्तियों की सैंपलिंग की जा चुकी है। उन्होंने बताया गांव में 258 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई है। उन्होंने कहा कि बस्ती से 70 लोगों के आरटीपीसीआर सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। एसएचओ प्रताप नगर बल्ला सिंह ने बताया कि उनके पास किसी अधिकारी की ओर से बिना प्रोटोकॉल कोविड पॉजिटिव महिला का अंतिम संस्कार किए जाने की कोई शिकायत नहीं मिली है। डॉक्टर चंद्र ने बताया कि बहादुरपुर में 13 कोरोना एक्टिव पेशेंट हैं, जिन्हें होम आइसोलेट किया गया है।